हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम जर्नीज एंड द सोल जर्नीज। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी को ग्रैब करते हैं। जो भी पर्सन अभी राइट नाउ आपके माइंड पर बने हुए हैं इनकी एनर्जीज में हम चैनल करते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो ये द मैजिशियन वाली एनर्जीज में आपके लिए बने हुए हैं, यानी कि इन्हें बहुत अच्छे से पता है गाइस कि अभी राइट नाउ इनके हाथ में एक एक्शन है या फिर इनके हाथ में इस पर्टिकुलर सी जर्नी या पाथ का एक कंट्रोल है, यानी कि दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट। इनको पता है अब ये इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को जैसे लीड करेंगे वैसे यहाँ पर एक जो सिचुएशन है वो प्रोसीड होगी। राइट, आप दोनों के बीच में अगर बात हो रही थी तो आपने ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से विड्रॉ किया होगा। आप एक एपिफेनी वाली एनर्जीज में हो, शायद आप बहुत ज़्यादा टाइम इंट्यूटिव चीज़ों पर स्पेंड कर रहे होंगे, अपने आप पर स्पेंड कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स एक इंट्यूटिव साइड अपना एक्सप्लोर कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ आप लोग बिता रहे हो। वजह ये होगी कि You guys sense a big competition. तो अगर आपने इनसे कट ऑफ किया भी है तो आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो। यहाँ पर 100% कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ने आइदर इनसे बात करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। यू गाइज हैव लिमिटेड योर कन्वर्जेशन टूवर्ड्स दिस पर्सन। एंड वन मोर थिंग इज, आप इनसे अगर बात भी कर रहे हो तो आप अपनी पूरी एनर्जी इनको नहीं दे रहे हो। बहुत कम या लीस्ट वेज में आप इन्हें अपने हाल के बारे में बताते हो कि क्या आप इनके बारे में महसूस करते हो, फिर आप शायद गायब हो जाते होंगे फॉर अ वाइल। और ये पर्सन जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फाइन, और यही वजह है कि दे नो दैट कि यहाँ पर इनके हाथ में सारा एक एक्शन अभी बनता है और इनके हाथ में सारा कंट्रोल है। ये जिस तरह से भी चाहेंगे इस सिचुएशन को प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप भी यहाँ पर इक्वल होल्ड रखते हो। मतलब इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आप एक इक्वल पोजीशन होल्ड करते हो, जहाँ पर आप भी डिसाइड करोगे कि इस पर्टिकुलर सी जर्नी पर होना क्या है। अगर आपके पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कहाँ पर रुकना है गाइस। और ये शायद आपके पर्सन को नहीं पता। मे बी आप जिस तरह से इन्हें एक अवेलेबिलिटी शो करते हो या फिर एक अनकंडीशनैलिटी शो करते हो, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि योर पर्सन टेक्स यू फॉर द ग्रांटेड। लेकिन आप शायद इन्हें ये नहीं दिखाना चाहते, अपना एक और साइड भी होगा आपका। अगर आप चाहें तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म भी कर सकते हो। मतलब यू जस्ट गाइज लव योर सेल्फ अ लॉट। आज की जितनी भी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं जिनके साथ ये जो पर्टिकुलर सी एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं, यहाँ पर आपका नेचर ऐसा होगा ना, यू गाइज आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, करेजियस एंड करिस्मैटिक। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं और एक्चुअली आप इन्हें कंट्रोल कर रहे होंगे फ्रॉम द फार। आपको पता है कि आपके पर्सन किस टाइम पर किस तरह से बिहेव करते हैं, उसी तरह से आप इन्हें पुश करते हो, ट्रिगर देते हो और फिर ये एक्ट करते होंगे। बट यहाँ पर आपके पर्सन इस तरह से कंफ्यूजन में है कि ये आपको हैंडल कर रहे हैं, तो एक तरह से कंपटीशन भी है तो आप दोनों के बीच में होगा। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर एक पावर स्ट्रगल। आपके पर्सन को लगता है कि ये एक पावर में है, बट के यहाँ पर आपको लगता है कि आप ही एक पावर में हो। और आप अगर चाहें तो इस सिचुएशन को चुटकी में एंड भी कर सकते हो और एक नेक्स्ट लेवल पर भी ले जा सकते हो।
इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। तो इस तरह की एनर्जीज में आप लोग बने होंगे गाइस। तो आप अपने पर्सन को कुछ टाइम देकर देखना चाहते हो कि आप अगर गायब हो जाते हो, इनसे बहुत ही लीस्ट वेज में कम्युनिकेट करते हो, तो आपके पर्सन किस तरह से यहाँ पर बिहेव करते हैं। तो ये एक तरह की इवन अगेन मैं कहूँगी टेस्टिंग टाइम ही है। आपके पर्सन को लगता है कि ये आपको टेस्टिंग टाइम में डालकर देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है कि आप ही यहाँ पर एक इन्हें टेस्टिंग टाइम्स में डालकर देखना चाहते हो कि ये एक्चुअली क्या करते हैं, राइट। उस दौरान आप अपने लाइफ पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। यहाँ पर नाइट ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज हैं। टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। यानी कि आपको एग्जैक्टली अभी राइट नाउ पता है। अगर मैं आपसे अभी पूछती हूँ कि यू गाइज व्हाट यू गाइज वॉन्ट टू डू राइट नाउ, तो आपको एक आंसर पता है कि हम ये कर रहे हैं अभी आजकल, हम हमारा जो फोकस है वो इस डायरेक्शन में है, वजह ये है कि हम ये चाहते हैं। मतलब आपने अपनी मंजिल देख ली है और उस मंजिल तक रीच होने में कितना समय लगेगा या फिर क्या क्या आपको करना पड़ सकता है, क्या डायरेक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, कंपटीशन कितना है, और आप वहाँ तक अगर रीच होना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो इस तरह की सारी बातें आप लोग जानते हो और आप इसी वेज में मुझे आंसर दोगे, समझ रहे हो। तो इस तरह की आप एनर्जी में बने हुए हो कि एक्शन आपको पता है कि क्या लेना है, कब लेना है और किस तरह से लेना है एक्शन, और उस एक्शन के लिए आपको खुद में कितनी सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी ये भी आप जानते हो। तो ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, आपने सोच लिया है, जर्नी देख लिया है, रास्ता भी देख लिया है, मंजिल भी पता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप खुद को रेडी कर रहे हो। आप एक नाइट की तरह खुद को चार्ज कर रहे हो गाइस, टू गेट हेडेड टूवर्ड्स दैट गोल गाइस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एंड डेडिकेटेड हैं। एंड प्लस एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइड यहाँ पर ये है कि आप इंट्यूटिवली यू नो यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हो, मतलब इंट्यूशंस आपको बहुत ही ब्यूटीफुली मिल रहे हैं और एक इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, वो आपको चैनल कर रहा है कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको। और उस समझ के चलते, उस इंस्टिंक्टिव गट फीलिंग के चलते आप बढ़ते जा रहे हो गाइस। यहाँ पर नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। नाइट ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट स्ट्रॉन्ग कमिटेड इंटेलेक्चुअल डिलीजेंट, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। तो यहाँ पर आइदर आप या आपके पर्सन इमोशनल, अगर आप बहुत टाइम तक इमोशनली बिहेव कर रहे हो, आइदर आपके पर्सन या आप यू नो, तो अभी ऐसा कुछ एक शिफ्ट आने वाला है। यहाँ पर आप लॉजिक देखोगे कि चलो बहुत हो गया, इमोशनल वेज में इस पर्टिकुलर सी चीज़ को हैंडल करके हमने देख लिया, लेकिन अगर चीज़ें उस तरह से प्रोसीड नहीं हो रही हैं तो हमें अब यहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये लॉजिक किसी भी बात को लेकर हो सकता है, ये आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी। अगर ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा यू नो पुश कर रहे थे, यू नो एक इमोशनल ब्लैकमेल मैं कह सकती हूँ, अगर इमोशनली ये आपको ब्लैकमेल कर रहे थे तो शायद इस बात से भी आप पिघलोगे नहीं। यहाँ पर आप अपने एक पर्टिकुलर से पोजीशन में अड़े रहकर उसी तरह से चलना चाहते हो, तो अब आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है कि लॉजिक का इस्तेमाल करें, इन्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरा पैंतरा है अब ये वर्क नहीं करेगा, यू नो। तो ये शायद लॉजिकली कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएंगे, अब ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर अभी कुछ तो सीरियस वेज पर करना पड़ेगा। फाइन, सिर्फ इमोशनल होने से या इमोशनली चीज़ों को प्रोसीड करने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर लॉजिक भी देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं। इमोशनल लेवल्स पर आप बहुत ज़्यादा आगे चले गए होंगे, लेकिन 3D वर्ल्ड पर आपका एफर्ट ज़ीरो होगा, मतलब आपके पर्सन का। तो इसीलिए आपके पर्सन अब इवेंचुअली ये सोचेंगे कि अभी मुझे यहाँ पर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ लिटरल वेज पर करना पड़ेगा। 5D से हमने बहुत ज़्यादा ऑपरेट करके देख लिया, कंट्रोल करके देख लिया, वो हो नहीं पा रहा है ना। तो आपके पर्सन
ऐसी किसी प्लानिंग में आएंगे, या फिर ये कुछ कोई रास्ता निकालेंगे कि क्या करना है इन्हें, एक एक्शन की ही बात कहेंगे यहाँ पर. दे आर मूविंग सो क्विकली कि इनको एक एहसास इस तरह से होगा कि इमोशनली चीज़ें इनसे संभल नहीं पाएंगी. और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके इस बिहेवियर से ये इमोशनली अगर खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उस सूरत में इन्हें आपकी तरफ एक यू नो लॉजिक वेज पर, प्रैक्टिकल वेज पर कोई एक्शन रखना पड़ेगा और कुछ इन्हें करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन को, वरना जिस तरह से सिचुएशन प्रोसीड हो रही है उस तरह से इन्हें पसंद नहीं होगा. ये चाहते हैं कि आप हर बार इनके लिए उस तरह की अनकंडीशनैलिटी रखें, एक वल्नरेबिलिटी रखें. और ये जब आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनके आसपास उसी तरीके से मंडराते रहो, यू नो आप अपनी एनर्जीज इनकी तरफ देते रहें, जो कि आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपने कुछ चीज़ें लिमिट कर ली हैं अपने लिए, और उसी तरह से आप यू नो यहाँ पर एक्ट करना चाहते हो. तो आपके पर्सन शायद आपको पुश करना चाहते हैं. जब ये आप किसी भी तरह का यहाँ पर इनको कोई यू नो एक्शन नहीं देते हो, एनर्जी नहीं देते हो, तो तब ये एक प्रैक्टिकलिटी रखेंगे, तब ये आएंगे 3D वर्ल्ड में. तो ये चीज़ होने वाली है गाइज. यहाँ पर यूनिवर्स का एक साइन लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए. तो अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है. तो आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो गाइज. इससे हो सकता है आइदर आपकी अवेकनिंग में एक जो लेवल है वो अपग्रेड हो रहा है, या फिर आपको इंट्यूटिव लेवल्स पर एक यू नो डाउनलोड इस तरह से मिलेगा. वैसे भी आप इंस्टिंक्टिवली बहुत सारी चीज़ें करने की प्लानिंग्स में बने हुए हो. तो आप जो कर रहे हो, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि यस दिस इज़ द राइट वे टू डू द थिंग्स. आपको यू नो कुछ चीज़ों में एक बाउंड्रीज सेट करके रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपना जो फोकस है वो आपके बेटरमेंट की तरफ लगा सकें, एक बेटर वर्जन में स्टेप इन करने के लिए लगा सकें. और आपकी यहाँ पर ज़रूर अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आप देख सकोगे अपने अंदर. अवेकनिंग किसी भी बात को लेकर हो सकती है गाइस, कि अगर समझ लो गोल आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको परफेक्शन भी अपने अंदर उतनी ही ज़्यादा लेकर आनी पड़ेगी. तो अवेकन आप हो रहे हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, जहाँ से आप अपने लाइफ के उस गोल की तरफ ब्यूटिफुली रीच हो सकें. तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि जस्ट ओपन टूवर्ड्स द यूनिवर्सेस डाउनलोड्स एंड साइंस. जितने भी आपको नंबर पैटर्न्स इस समय दिख रहे हों, यू नो इवन अगर आपको ड्रीम्स भी आ रहे हों, तो उन सारी चीज़ों पर एक चेक बनाकर रखें, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है अपनी 3D लाइफ में. तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, कि आपके पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं, क्या ये सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी बातें हम जानेंगे गाइस. तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा. अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय.